Hi everyone, it's me Sachin Antil. In our last lecture, we have ended up with the detailed study of human male reproductive system. And today we are going to start with the human female reproductive system. तो इसको शुरू करने से पहले एक बार सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं जो मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. That is gonads. जो अपने primary sex organs होते हैं वो होते हैं gonads होते हैं. That produce gametes and hormones. और जो अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में होता है वो अपना होता है ओवरीज. जो अपनी ओवरीज होते हैं वो क्या करते हैं, दे रिलीज ओवम एंड प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन एस्ट्रोजन एक्सेट्रा. तो ये जो अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अपने गोनाड्स होते हैं दैट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड हॉर्मोन्स. और जब ना फीमेल्स होती है ह्यूमन में उनमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो अपने ओवरीज होते हैं दैट प्रोड्यूस ओवम एंड हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन एस्ट्रोजन एक्सेट्रा. देन इसके बाद जो अपने सेकंड पार्ट आता है वो अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है. दीज आर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स वी कैन से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. ना तो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे ना फिर ये हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे बट ये उन प्रोसेस के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस जो होता है उसको सिर्फ हेल्प करेंगे. तो इसमें जो सबसे पहले अपना होता है वो होते हैं ओविडक्ट्स या फिर जिन्हें हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स. जो अपनी ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब्स होती है उनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ओवम टू द यूटरस. देखो इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में जब स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तब देखेंगे. तो इनका फंक्शन देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ओवम टू द यूटरस एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन देन उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है इसी में वो है अपना यूटेरस. यूटेरस अपना सबसे ब्रॉड पार्ट होता है. दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. Fertilized ovum and development of fetus. तो जो अपना यूटरस होता है ओवम की फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाके यूटरस में इम्प्लांटेशन होती है और उसकी फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो यूटरस में ही होती है. देन उसके बाद जो अपना थर्ड पार्ट है वो है अपना सर्विक्स. सर्विक्स इज द मेगा कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन इसके बाद जो है वो वजाइना. दिस इज द पार्ट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. Thank you.
surveys, passageway 4, childbirth. देन इसके बाद जो अपना थर्ड पार्ट आता है वो अपनी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. जो अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, क्लिटोरिस एक्सेट्रा. तो जो अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के सारे पार्ट होते हैं इन सब पार्ट्स को मिलाकर हम कलेक्टिवली बोल लेते हैं वुल्वा, वुल्वा और वी कैन से पुडेंडम. देन जो इसके बाद अपना फोर्थ पार्ट आता है वो है अपना एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स में अपनी सबसे फर्स्ट आती है वो मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स तो मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड सिंथेसाइज सीक्रेट एंड इजेक्ट मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ ऑफ न्यूबॉर्न. देन जो उसके बाद अपनी सेकंड चीज आती है वो अपनी है वो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. तो वेस्टिब्यूल ग्लैंड से पहले हमें पता होना चाहिए वेस्टिब्यूल क्या होता है. वेस्टिब्यूल दैट सराउंड्स ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वजाइना. तो जो पार्ट यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को सराउंड करता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं. तो जो अपनी वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स होती है वो दो होती है. फर्स्ट इज लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ग्लैंड्स जो अपनी लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होती है इनका एक और नाम होता है दैट इज पैराड्यूरिथ्रल ग्लैंड्स. देखो जो पैरा होता है पैरा का सिंपली मीन्स अपनी बायोलॉजी भाषा में मतलब होता है बिलो, बिलो. तो इससे आप समझ गए होंगे जो ग्लैंड्स यूरिथ्रा के नीचे प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं पैराड्यूरिथ्रल ग्लैंड्स. और इनका जो नाम है वो है स्किन्स ग्लैंड, स्किन्स ग्लैंड्स. देन जो अपनी सेकंड ग्लैंड आती है वो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. जो अपनी ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है उनको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड. देखो ये नाम थोड़े से कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे पर जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर्स और डायग्राम्स इनको समझने की कोशिश करेंगे सब कुछ इजी हो जाएगा. तो
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर से, डायग्राम से, वो कैसा होता है। तो शुरू करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मोन्स प्यूबिस। जो अपना मोन्स प्यूबिस होते हैं, क्या है? एंटीरियर पार्ट कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज covered by skin and pubic hairs. जो मोन्स प्यूबिस होता है वो अपना एंटीरियर पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, दैट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, और ये काफी कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, दैट इज मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज। देन उसके बाद जो अपना सेकंड स्ट्रक्चर आता है वो है अपना जो ये वाला अपना पार्ट है, इन दोनों को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। जो अपना लेबिया मेजोरा होता है वो क्या होता है? टू फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन and जो ये अपना लेबिया मेजोरा होता है, this is homologous to scrotum, this is scrotum in males. जो अपना लेबिया मेजोरा होता है, these are two fleshy folds of skin which are homologous to स्क्रोटम इन मेल्स। जो मेल्स में स्क्रोटम होते हैं उसके होमोलोगस होते हैं। देन उसके बाद जो अपना सेकंड पार्ट आता है वो है अपना जो ये वाला पार्ट है अपना दिस पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट, दीज आर लेबिया माइनोरा। ये क्या होते हैं? दीज आर टू स्मॉल फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, फोल्ड्स ऑफ स्किन होमोलोगस टू पिनाइल यूरिथ्राइन मेल। जो अपने दो ये फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन है, थोड़े से जो छोटे हैं लेबिया मेजोरा से, इन्हें बोलते हैं लेबिया माइनोरा। दीज आर होमोलोगस टू पिनाइल यूरिथ्राइन मेल। देन इसके बाद जो इनका ऊपर वाला पोर्शन होता है एंटीरियर पार्ट, क्लाइटोरिस क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। तो ये नेचर में कैसा होगा? क्लाइटोरिस इज इरेक्टाइल एंड होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल।
सी ये, तो ये अपना क्लाइटोरिस। देन इसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस तरह से, इस ओपनिंग का नाम है यूरिथ्रल ओरिफिस, यूरिथ्रल ओरिफिस या फिर हम कह सकते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। जो अपनी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसी के नीचे यहाँ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका हमने नाम बताया था लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। पैरा सिंपली मीन्स बिलो द यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा के नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये अपनी कौन सी ग्लैंड है? स्केन्स ग्लैंड। स्किन्स ग्लैंड, देखो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो, जो स्किन्स ग्लैंड होती है इसको हम पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब बिलो द यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा के नीचे प्रेजेंट है। पी से पैरा एंड पी से प्रोस्टेट। तो जो ये स्किन्स ग्लैंड है दीज आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट इन मेल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल, जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके होमोलोगस। देन उसके बाद जो अपनी सेकंड ओपनिंग आती है, दिस इज अवर वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइना। तो वेजाइना क्या, इसके तीन फंक्शन होते हैं। वेजाइना तो इसके फंक्शन होते हैं पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो, देन ऑर्गन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड थर्ड इज सर्विस बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मतलब न्यू बॉर्न की बेबी की जो डिलीवरी होती है वो वजाइना के थ्रू ही होती है। तो ये अपनी वजाइना है, तो ये अपनी वजाइना है, ये पार्शियली कवर्ड होती है किसी चीज से, ये इस तरह से कवर्ड होती है, कुछ एक लेयर होती है पार्शियली कवर्ड, इसको हम बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन क्या है? तो हाइमेन क्या है? अ मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द वेजाइना इन वर्जिन्स। देखो पहले कुछ सालों तक, पहले जब एजुकेशन कम थी तो लोगों का मानना क्या था, इफ द हाइमेन इज रप्चर्ड देन द फीमेल इज नॉट वर्जिन। तो देखो वजाइना, देखो जो पहले हाइमेन होती थी इसको वर्जिनिटी का एक मतलब रिमार्क माना जाता था, अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो वो फीमेल वर्जिन है, पर ऐसा नहीं है, ये कुछ मतलब लैंडमार्क कोई साइन नहीं है कि अगर वर्जिन है तो ही प्रेजेंट होगी। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं जैसे कि हॉर्स राइडिंग, रनिंग वगैरह, उनमें भी हाइमेन के रप्चर होने के चांस होते हैं, तो हाइमेन को वर्जिनिटी का कोई स्पेशल मार्क मानने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद जो अपनी वजाइना होती है इसके दोनों इस तरफ दो पेयर्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। Bartholin glands are paired and present on the either or we can say both side of the vaginal opening and these are homologous to
to Cowper's grinding mill. तो ये क्या करते हैं, इसके जो सिक्रेशंस होते हैं कैसे होते हैं, विस्कस सिक्रेशंस, विस्कस सिक्रेशंस फॉर लुब्रिकेशन। और जब ये जो स्किन्स ग्लैंड होती है इसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, म्यूकोइड सीक्रेशंस, म्यूकस वाले, म्यूकस सीक्रेशंस, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो ये अपना ग्लैंड हो गई। देन उसके बाद हेयर प्रेजेंट है फोल्ड ऑफ स्किन, इसको बोलते हैं फोशेट। तो ये क्या होता है, फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन दैट जॉइंट्स लेबिया माइमोरा टू द पोस्टीरियर रीजन ऑफ region of vulva। तो जो ये वाला पार्ट है, this is foreshed, this is a fold of skin that joins labia minora to the posterior region of vulva। then इसके बाद जो अपना next part आता है वो अपना this is our anal opening। और वी कैन सी एनस। तो एनस क्या है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ रेक्टम टू आउटसाइड। Waste material is expelled out। तो एनस वो ओपनिंग है जिसके थ्रू रेक्टम बाहर की तरफ खुलता है एंड द वेस्ट मटेरियल इज एक्सपेल्ड आउट, दिस इज एनस। एंड देन दिस पार्ट जो ये अपना कि इस तरह से गैप प्रेजेंट है, दिस गैप, दिस वी कॉल्ड एज पेरिनियम। पेरिनियम क्या है, पेरिनियम इज द स्पेस बिटवीन एनस एंड वल्वा इन फीमेल्स। तो पेरिनियम वो स्पेस है जो एनस और वल्वा के बीच में प्रेजेंट होता है। सो गाइस दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल्स। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।